ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें बिहार के वैशाली से आई हैं। वैशाली के तिसियोता थाने के अंतर्गत आने वाले शाहपुर गांव में एक दलित लड़की को किडनैप कर गैंगरेप करने और फिर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतका के परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार की ओर से कहा गया है कि गांव के ठाकुरों ने बंदूक की नोक पर उनकी बेटी को अगवा कर लिया और फिर गैंगरेप कर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवार की पुलिस को दी गई शिकायत वायरल हो रही है। इस शिकायत पत्र में लिखा है कि 20 दिसंबर को लड़की को गांव के ही ठाकुरों ने उस समय किडनैप कर लिया जब वो शौच के लिए गई थी। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि ठाकुरों ने बंदूक के दम पर उसकी बेटी को किडनैप कर लिया और जब वो गांव के लोगों के साथ बेटी को लेने ठाकुरों के घर गई तो उसे ये कहकर भगा दिया कि 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी लौटा दी जाएगी। शिकायत पत्र के मुताबिक 26 दिसंबर को बकरी चराने गई महिलाओं को पानी में डूबी लाश मिली, जिसकी पहचान पीड़िता के रूप में हुई। पीड़िता की मां ने अनुराग कुमार, राकेश चौधरी, मनोज चौधरी, अंशु कुमार को मुख्य आरोपी बताया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वैशाली में कुछ लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। वहीं दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दी। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ट्विटर पर कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, इस हृदय विदारक घटना ने फिल्म राउडी राठौर की याद दिला दी। कुछ लोग समझते हैं कि ये केवल फिल्मों में होता है, नहीं जनाब, ये आज भी देश की हकीकत है और इस वजह से भारत लगातार कमजोर हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर कार्यवाही करेगा? इस वारदात ने फिर साबित कर दिया कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के राज में दलितों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।